जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आज बात करने जा रहा हूँ जो कि यह मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और सीएसके के बीच हुआ, जो कि यह मुकाबला आप लोग तो देखे होंगे। जिस तरह से वहाँ पे बल्लेबाजी चल रही थी, लग रहा था ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है। जी हाँ मेरे दोस्त, चलते हैं जो कि यहाँ बात करने जा रहे हैं, जो कि टॉस जीत कर पहले बल्ले बॉलिंग करने का फैसला किया एल एस जी ने, और वही मैं बात करूँगा। जब सीएसके जब टॉस बैटिंग करने के लिए आई, तब वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे पहले ही ओवर में वहाँ पे विकेट गिर गया था, जो कि वहाँ पे अंजिक्य रहाणे का पहले ही ओवर में विकेट गिर गया था। वही मैं बात करूँगा जो कि दूसरी विकेट गिरने के लिए जिस तरह से वहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर अचानक एक विकेट गिर गया छठे ओवर में। पावर प्ले में लगभग दो ओवर सीएसके का गिर गया, चेन्नई सुपर किंग्स का। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, मैं बात करूंगा जब दूसरे विकेट गिरा, जब गायकवाड़ जब संघर्ष कर रहे थे वहां पर, जब संघर्ष करते हुए गायकवाड़ ने जब तक अंतिम लास्ट ओवर तक यहां पे खेले, मैं बात करूंगा गायकवाड़ का और शिवम दुबे का जब आए, वही मैं बात करूंगा तीसरे विकेट के लिए जब रविंद्र जडेजा जब 19 गेंद में 16 रन बनाकर ना ज़्यादा कुछ ना खास कर पाए रविंद्र जडेजा और पवेलियन लौटे। वही मैं बात करूंगा जब शिवम दुबे आते ही आती सी पारी वहाँ चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर बोर्ड पर लगभग जीत का मोहर बना दिया था, तब पर भी ऐसा नहीं हो पाया। जब वही मैं बात करूंगा जिस तरह से वहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे, आप लोग काबिले तारीफ करने की बात करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं बात करूंगा शिवम दुबे का जो कि 22 गेंदों में 8 शतक, और वही मैं बात करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ का जो कि मात्र 55 गेंदों में शतक बना दिए 60 गेंदों में 108 रन बनाए। ये कैप्टनशिप पारी खेले यहाँ पे काबिले तारीफ, और लग रहा T20 में भी मोहर मार दिए है ये ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए। वही मैं बात करूंगा वहां पे चौथे विकेट के लिए महेंद्र सिंह धोनी आए। महेंद्र सिंह धोनी को एक बॉल में एक चौका लगाकर वहां पर भी लग रहा था कि अब जीत जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स, पर यहां पर टोटल स्कोर 210 हुआ। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, यहां पर काबिले तारीफ करनी क्या होगी। यहाँ पर तो भले ही कैप्टनशिप पारी यहाँ पर खेले ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर हार गई। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, वही मैं बात करूंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।